अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो आज हम बना रहे हैं जी काबली पुलाव। बहुत आसान, मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी है। कुछ इंग्रेडिएंट्स आपके पास हों और ये जी आपका जो बीफ काबली पुलाव है वो रेडी हो जाएगा। तो चलते हैं जी प्रॉपर रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो तैयार करनी है वो करनी है हमने यखनी। यखनी बनाने के लिए भी हमें बस कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, 3 से 4, और बस हमारी यखनी जो है ना वो बीफ की तैयार हो जाएगी। और इतनी आसान कुकिंग देखें जी, बंदा जो है ना वो बिगनर्स के लिए वो समझते हैं कि भाई कुकिंग बहुत मुश्किल है कुकिंग। तो जी बीफ ले लिया है मैंने तकरीबन 1 kg। उसके अलावा मैंने लिया है 2 से 3 टेबल स्पून खुश्क धनिया, इतने ही मैंने सौंफ, 7 से 8 जवे लहसुन, 1 टुकड़ा अदरक और साथ में दरमियानी साइज़ का प्याज। ये यखनी के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ठीक है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम डालेंगे जनाब एक पोटली में। मलमल के कपड़े में डाले हैं, मेरे पास उस टाइम अवेलेबल नहीं था तो मैंने नॉर्मल कॉटन का कपड़ा यूज़ कर लिया, मुलायम सन लॉन का पीस। उसमें ये सारी चीज़ें डाल दी मैंने, ठीक है। गोश्त डाल दिया, 2 से 3 ग्लास पानी डाल दिया, ठीक है। और अब हम जी कर देंगे कुकर को बंद, और कुकर को बंद कर देने के बाद चलाएंगे इसकी सीटी। जब सीटी इसकी चलने लग पड़ेगी तो तकरीबन हमने इसको आधे घंटे के लिए जो है ना, मैं जो बीफ का टाइम रखती हूँ आधा घंटे रखती हूँ, आधे घंटे का जो गुजर चुका था, ठीक है। यखनी ये हमारी रेडी हो चुकी है। ये जी हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये हमने अपने काबली पुलाव के लिए यखनी रेडी हो गई है। अब हम चलते हैं जी पुलाव की प्रॉपर प्रिपरेशन की तरफ। प्याज मैंने ले ली है 2 दरमियानी साइज़ के, ये मैंने काट लिया है। मैंने हाफ क्याली लिया ऑयल, उसके अंदर मैंने इसको कर दिया जी शामिल। अब प्याज़ों का कलर हो रहा है जी आहिस्ता आहिस्ता चेंज, ठीक है। जब इसका मुकम्मल तौर पे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। ये हमारे जी प्याज इस स्टेज पे हमने क्या कर देने, इससे ज़्यादा कुक नहीं करने। अब जो हमारी यखनी रेडी हो चुकी तो उसकी में से मैंने बोटियाँ जो थी ना बीफ की वो निकाल ली, उसको मैंने जी इसके अंदर डाल दिया, और साथ में मैंने इसमें शामिल कर दिया गर्म मसाला जो मैंने लिया था, 1 टुकड़ा दालचीनी और गरम मसाला वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। थोड़े 2 से 3 मिनट उसको भून लेने के बाद हमने टमाटर और हरी मिर्च शामिल कर दी। बीफ को ज़्यादा देर आपने नहीं भूनना कि उसकी बोटियाँ पहले ही जो है बेचारी उनका काम होगा, मज़ीद उसको करेंगे तो बोटी टूट जाएगी, ठीक है। अब हमने इसके अंदर जो है ना डाल देना है टमाटर और हरी मिर्च, ठीक है। अब जब उसको थोड़ा सा पका लेने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, मैंने फुल भर के नहीं ली, ठीक है, लेवल के लिए है, काली मिर्च, ठीक है। नमक 1 टेबल स्पून मैंने लिया है, फिर आप टेस्ट कर लीजिएगा, जब कम हो तो और शामिल कर लेना है, ठीक है। ये हमने शामिल करके उसको हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए जो है ना इसको बस पकाना है, क्योंकि काली मिर्च डाल देने के बाद जब किसी चीज़ को ज़्यादा देर के लिए कुक करते हैं तो वो ब्लैक हो जाती है। अच्छा जी, ये अब हमने क्या किया है, इसको हम 1-2 मिनट के लिए पका लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी यखनी जो हमने बना ली थी, निकाली थी बीफ की। अब हमने इसमें शामिल कर दिया यखनी। जब इस यखनी को आ जाएगा बॉयल, ठीक है, गर्माइश आएगी इसके अंदर, ठीक है, पानी गएगा कि मुझे किधर आपने डाल दिया, तो फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चावल। अब देखें जी स्टेज पे पानी के अंदर आ गया है बॉयल, बॉयल जो है वो आ चुका है। अब हम शामिल कर देंगे जी इसके अंदर चावल, ठीक है। चावल मैंने ले लिए थे तकरीबन, वो भी मेरे पास 1 किलो थे, उनको मैंने आधे घंटे के लिए जो है ना वो भिगो दिया था, ठीक है। अच्छा, अब ये चावल मैंने इसके अंदर शामिल करने हैं। जब आप चावल शामिल कर देना राइस पानी के अंदर, तो आपने फिर चमचा जो है ना वो ज़्यादा तेज़ उसको सख्त हाथ से भी नहीं हिलाना, बिल्कुल लाइट लाइट सा आराम से नरमो नाजिक, मतलब जो है ना वो टूटे नहीं, ठीक है। तो अब दूसरी तरफ मैंने 1 गाजर, किशमिश और लिया है बादाम, इनको मैंने छील लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड तो की थी, पता नहीं कि उसकी मर्ज़ी नहीं थी, तो उसको मैंने थोड़ा सा ऑयल लेके फ्राइंग पैन में ना फ्राई कर लिया था, हल्का सा बस फ्राई करना है। अच्छा जी, ये चावल जो थे ना हमारे, उनका पानी खुश्क हो चुका था, तो अब इस स्टेज पर मैंने उसके अंदर वो फ्राई हुए हुए ना जो गाजर और वो थी मेवा और वो डाल दिए। अब हमने इसको दे देना है दम, दम हमने तकरीबन देना है कोई 20 से 25 मिनट के लिए, ठीक है। चलिए जब इसको दम देते हैं, हमने दम दे दिया 20 से 25 मिनट के लिए। 20 से जब 25 मिनट गुजर जाएंगे तो हम दम अपना जो है ना उसका अपना नहीं मतलब पुलाव को खोल लेंगे। तो ये 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं और मज़ेदार से हमारे जो काबली पुलाव है ना वो तैयार रेडी है। देखिए एक एक चावल जो है ना वो बिल्कुल उस बिल्कुल निखर के आए हैं और इतना प्यारा कलर है। ये आपने रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जी आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।